हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज टॉपिक टू इन पेपर फाइव इन मेन सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी एंड ऑल्सो इन यूपीएससी। दिस इज दिस कम्स अंडर GS1 ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। वाई दिस टॉपिक हैज बीन पुट इन द सिलेबस, इन द न्यू सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी? Because this topic has been in the news since 2022, ठीक है, आप देख सकते हो जो पार्लियामेंट है वो नया अमेंडेड एक्ट ला रही है। 1958 में जो एक्ट था AMA, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं AMASRA, ठीक है, या फिर AMSR भी बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं, AMSR एक्ट, एक्ट 1958, इसको अमेंड कर रही है गवर्नमेंट और नया ला रही है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस अमेंडमेंट बिल। 2022 में लाई थी, तब हो नहीं पाया, 2023 में लाई है, अभी देखिए एक्ट बनता है या नहीं बनता है। इंट्रोड्यूस तो दो बार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए न्यूज में भी बराबर है, देखिए 22 फरवरी की न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। वंस ए लॉ सम ऑफ 3,695 प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में लूज मॉन्यूमेंट एक्ट, तो अभी देखिए सब प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए ASI टू गेट मोर पावर्स ऑन इंक्रोचमेंट वंस विल बिकम्स लॉ, ये कब का है, 18 जुलाई 2022 का है। ये देखिए 2023 का है न्यूज, ये 2022 की है। फिर देखिए हिंदू में भी निकाला है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस अमेंडमेंट विल टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन बजट सेशन, ये कब का है, 17 फरवरी 2023 का, ठीक है। तो बराबर ये न्यूज में है, तो इस पर क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कैसे भी आए, एक क्वेश्चन आ सकता है या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैं दो या तीन पार्ट में पूरा कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आर्किटेक्चर हिस्ट्री में जाऊंगा थोड़ा सा, तो आज का एजेंडा क्या होगा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये पूरा यही लाइन लिखी हुई है उसके सिलेबस की पहली लाइन, UPBCS में पहली लाइन यही लिखी हुई है टॉपिक टू में, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये आर्किटेक्चर या फिर कल्चरल हेरिटेज की बात की गई है। उसके बाद हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन क्या हुआ और कौन कौन से लॉज इसके रिगार्डिंग बने, शुरुआत से बताऊंगा मैं। एक्ट्स गवर्निंग द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी बताऊंगा, इनका रिवॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो फोर टॉपिक मैं इस बारे वीडियो में कवर करूंगा, बाकी जो फोर टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, और अगर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके लिए दो वीडियो और एक्स्ट्रा बनाऊंगा, तो पहले वीडियो में मैं इतना कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, बहुत ही सोच समझ के मैंने लिखी है, और जो आपकी अभी एक रिपोर्ट आई थी विवेक दुबे राय की, जो वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी आर्किटेक्चर्स पे, और जो रिव्यू दिया गया है उन्होंने, वहां से मैंने ये लिया है। इसमें कहा क्या कहा गया है, आर्किटेक्चर इज एन इमूवेबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, और कौन सा कल्चरल हेरिटेज जो इमूवेबल है, तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आ जाएंगी। और आर्किटेक्चर में क्या होता है, इन सम वे मूवेबल, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं आर्किटेक्चर जो मूवेबल हो, जैसे पेंटिंग हुई, कॉइन्स हुए, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हुए, जिनको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आर्किटेक्चर क्या हुआ, इज एन इमूवेबल कल्चरल हेरिटेज, या फिर इन सम वे, इन सम, इन फ्यू केसेस इट इज ऑल्सो इमूवेबल कल्चरल हेरिटेज डेट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर प्रीडेसेसर। प्रीडिसेसर्स का मतलब, हमने देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ठीक है। कल्चर मतलब होता है कि एक वे ऑफ लाइफ, ठीक है, वे ऑफ लाइफ जो विद द टाइम रिफाइन होती है। ये रिफाइन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी चीज़ वे ऑफ लाइफ जाती है तो उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, उसमें जो नए समय के साथ जो चीजें नई आती है वो ऐड कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो अपना जो हेरिटेज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर चलता चला जाता है। तो ये, और ये वे ऑफ लाइफ आगे चलकर क्या हो जाता है, एक कल्चर का फॉर्म ले लेता है। और ये जो कल्चर है, जो हम अपने एंसेस्टर से या अपनी आगे अपनी जो ऊपर वाली पीढ़ी है उससे लेते हैं, तो उसे वो हो जाता है क्या, कल्चरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज अपने आप को किस फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है, आपके फोक सॉन्ग में, आपके इंटेंजिबल फॉर्म में, जैसे फोक
फोक आर्ट हो गई या फोक सॉन्ग हो गया या फिर आपके जो भी वर्च्यूज हो गए कि ऐसी चीजें मत करो ऐसी चीजें करो, और कुछ टेंजिबल फॉर्म में भी ये मैनिफेस्ट करता है। और टेंजिबल फॉर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है, पेंटिंग्स हुई, ये सारे क्या हुए आपके टेंजिबल, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, तो यही आर्किटेक्चर का फॉर्म बना देते हैं। तो ये हुई आर्किटेक्चर की डेफिनेशन, मैंने अच्छे से समझा दी, ठीक है। अब क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है आर्किटेक्चर का, ठीक है। सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, आर्किटेक्चर आर ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री आर्ट या साइंस, ठीक है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री जाननी है तो आप क्या करोगे, अगर आपने सांची के स्तूप को नहीं देखा तो आप नहीं जान पाओगे ना कि हाँ अशोक की क्या हिस्ट्री थी या अशोक कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। आर्ट, ये मैंने ये फिगर बनाया है, ठीक है, अब ये फिगर इतना अच्छा है, ये पांच जो ये भगवान शंकर जी तांडव के फॉर्म में है, तो जब आप तांडव कर रहे हैं ये, तो ये तांडव पे तो यूपीएससी क्वेश्चन ही पूछ चुका है, यूपीएससी ने सीधे मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि तांडव क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये तांडू ऋषि से मिलके बना है, श्रीलंका से आया है, तो आपको आर्ट के बारे में जब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक आप माइथोलॉजी जैसे हम लोग कहते हैं उसको आर्ट से हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, कि ये कौन कौन सी ये पांच पोजीशन भगवान शिव की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस, साइंस तो आर्किटेक्चर में होती है कि किस तरह से बनाया गया, कैसे उसकी इतनी ज़्यादा बिल्डिंग है, उसका बेस इतना अभी तक इतने सालों से टूटे नहीं है, ठीक है। कुछ जो अपना पिलर है उसमें क्या कहते हैं, जो उसमें जंग नहीं लगती है लोहे के, ऐसा पिलर बना दिया गया है मेटल का, इसमें जंग नहीं लग रही है, ये सब क्या है साइंस भी, इससे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर आर ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू फ्रॉम हिस्टोरिकल एस्थेटिक एथनोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आया, आर्किटेक्चर आर मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चरल लाइफ दैट स्टिल परमिएट्स एज डाइवर्सिटी इन अवर सोशल लाइफ, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है ये, ठीक है। आर्किटेक्चर आर मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चरल लाइफ, जो कल्चरल लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, जो अभी भी हम लोगों के अंदर परमिएट्स होती है, अगर हम किसी भी हाईवे से जा रहे हो, हमने देख लिया कि ताजमहल बना हुआ है, तो उससे हम लोगों को क्या परमिएट होगा कि हाँ इट्स अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव, डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन, बट क्या है कि ये कल्चरल लाइफ है जो अभी भी हम लोगों के अंदर परमिएट्स होती है। आर्किटेक्चर आर द बेस्ट लिंकेज टू अंडरस्टैंड अवर वे ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइम ऑफ बुद्धा एंड इवन बिफोर दैट, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आउटसाइड इम्पैक्ट। आउटसाइड इम्पैक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है आर्किटेक्चर, जैसे हम लोग कहते हैं मथुरा अपनी इंडिजीनियस आर्ट थी, उस पर आउटसाइड इम्पैक्ट पड़ा तो क्या हो गई, वो गांधार आर्ट बन गई। इंडो पर्शियन, इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ये सारे जो बने इनमें क्या आ रहा है कि आपका मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये जो मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, इसमें कुछ मैंने सर्च की हैं और कुछ जो हैं वो हम मैंने क्या किया अपने खुद से लिखे हैं, तो ये बहुत ही आपको रॉ मटेरियल, बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल रहा है, जिस आप एज इट इज ये दोनों डेफिनेशंस को आप मेंस के आंसर में आप डिटो राइट डाउन कर लो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब होते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसके कारण हम लोगों का जो आर्किटेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं और कहाँ से उसको पावर मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो आप जो आपकी तीनों लिस्ट हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंजर्व करने की या इसको बचाने की वो किसके पास है, सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। यूनियन लिस्ट में भी एंट्री नंबर 67 में है, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 12 में है, कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 40 में है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। देखिए यूनियन लिस्ट में कैसा है, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेयर्ड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, यूनियन लिस्ट में ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूनियन लिस्ट में वो है जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के अलावा जो है वो स्टेट लिस्ट में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 49 डीपीएसपी भी बताती है, डीपीएसपी क्या बताती है, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये जो स्टेट है ये अलग है, ये स्टेट ये वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट मतलब एनी लॉ जो जो आपके शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में बोला गया, स्टेट विल बी यूनियन गवर्नमेंट भी होगी, यूनियन बॉडीज भी होंगी, ठीक है, और आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आपके जो भी व्यक्ति जो उस समय गवर्नमेंट ड्यूटी को फॉलो कर रहा होगा वो भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट
एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। ये जो चीज़ है ना, ये इनिशियल नहीं थी, और अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, ये इनिशियल नहीं थी, ये बाद में 1956 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई, ये पहले नहीं थी। टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्पॉयलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज द केस मे बी। ठीक है, ये आपकी स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको पता ही है, इसमें लिखी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो एक तरह से क्या है, ये आर्किटेक्चर जो है अपना, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, देखिए अगर आपका कोई भी आर्किटेक्चर 100-100 साल से पुराना है तो वो क्या हो जाता है, नेशनल, आपके नेशनल मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। कोई भी चीज़ है, अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो 75 साल से पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो नेशनल, जो एक तरह से कहते हैं नेशनल ट्रेजर या नेशनल ट्रोव में आ जाता है। तो ये तो हो गए आपके पुराने वाले, नए वाले भी आर्किटेक्चर हैं जो 100 साल जिनको नहीं हुए हैं। अब जैसे सेंटर विस्टा बन रही है, क्या बना है अभी आपका सेंटर विस्टा जो मोदी जी ने अभी बनाई है, या नई संसद की जो बिल्डिंग बनी है कहते हैं, या फिर जितने भी आपके काशी विश्वनाथ धाम में जो भी कहते हैं नया रिनोवेशन हुआ, ये सब क्या है, इन सब के प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट, सेंटर, इंडिविजुअल सबकी है। इसके बाद आइए हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब देखिए आर्किटेक्चर या अपना जो भी आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो किस तरह से डेवलप हुई। ठीक है, सबसे पहले जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 1784 से स्टार्ट हुआ, जब एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई कोलकाता में सर विलियम जॉन्स ने। ठीक है, ये सर विलियम जॉन्स है, सर विलियम जॉन्स ने। ठीक है, उसके बाद देखिए सर विलियम जॉन्स कौन थे, ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ये यूनानी जो हिस्टोरियन है वो सेंड्रोकोटोस जिसको बोलते हैं वही है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो हिस्ट्री थी अपने आप में इसने लिंक कर दिया किसको, इंडिया की हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजी थी उसको इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी से लिंक कर दिया कि हाँ देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपके सेंड्रोकोटस से मेल खाते हैं, और सेंड्रोकोटस जितना पुराना है उसी आप डेट को आप मैच कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो चार्ल्स विल्किंसन थे उन्होंने क्या किया था, गुप्ता और कुटिल स्क्रिप्ट थी इसको डेसिफर किया। ठीक है, 1834-1833 में एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो जेम्स प्रिंसिप थे उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी थे जो एशियाटिक सोसाइटी के, उन्होंने 1834 से 1837 के बीच में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारुस्ती स्क्रिप्ट इन दोनों को डेसिफर किया। ये इतना इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि इसके बाद फंडिंग मिलना स्टार्ट हो गई। और इन्होंने कैसे किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखिए इन्होंने ये बैरत इंस्क्रिप्शन से ली, ये बैरत इंस्क्रिप्शन है यहाँ से इन्होंने पढ़ा। और दूसरा आपका ये जो खारुस्ती स्क्रिप्ट है उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये जो इंडो ग्रीक कॉइन मैंने ये जो लगाए हैं एग्जैक्टली इन्हीं कॉइन्स को इन्होंने पढ़ा, ये बायोलिंगुअल थे, एक डायरेक्शन में अलग लैंग्वेज में लिखा था दूसरे में अलग से लिखा था, इससे इन्होंने क्या डेसिफर किया आपको खारुस्ती स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। अच्छा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इन्होंने क्या किया, जो एक कॉमन ऐसा सिंबल था वो हर जगह लास्ट में मिल रहा था, और इस सिंबल को उन्होंने सांची के स्तूप से भी मैच कराया, सांची के स्तूप में भी वो था। ठीक है, इससे जो वर्ड निकला वो निकला दान, तो ये दान जो शब्द था ये बहुत ज्यादा कॉमन था, इससे लिंक करके इन्होंने ब्राह्मी लिपि को आगे डिस्कवर किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये जेम्स प्रिंसिप के बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, ये इनको कहते हैं फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1861 में बने थे। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, 1863 में एक्ट एक्सएक्स पास हुआ इन्होंने, जिसने क्या किया, पावर टू गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन रेस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, क्या हुआ कि 1863 से पहले जो मॉन्यूमेंट प्रिजर्व करने की जो पावर थी वो दो प्रोविंशियल एक्ट लाए गए थे, दो प्रोविंशियल एक्ट। ठीक है, एक बंगाल ने निकाला था और एक बाद में मद्रास ने निकाला था, एक 1810 में आया था, एक 1817 में आया था। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही एक्ट गवर्नमेंट को पावर तब देते थे जब आपका जो मॉन्यूमेंट है या फिर जो भी बिल्डिंग है उसके उसके ऊपर प्राइवेट ओनरशिप नहीं है।
लेकिन जो ये 1863 का एक्ट था उसने गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की पावर दे दी इन केस ऑफ मिसयूज इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ये तीन लॉ जो बने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था 1866 में उसे एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। और किसने किया था एबोलिश, लॉर्ड लॉरेंस ने एबोलिश कर दिया था, ठीक है। अब आप देखिए जो ये गैप आ रहा है 1837 इसके बाद से लेके जो भी हुआ 1861 में हुआ, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आया, 1857 का क्या आ गया आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उस समय सारी चीजें इसकी रुक गई थी। 1865 के बाद क्या हुआ, 1866 1863 का एक्ट आया, उसका 86 मैंने बताया एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। जो एएसआई था उसको रिवाइव किया गया अब दोबारा का 1871 में, और लॉर्ड कनिंघम जो थे उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एएसआई का जो एएसआई एज एन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कब आया, 1871 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए कौन कौन से लॉ थे। अब देखिए ये मैंने एक क्रोनोलॉजी बनाई, ये जो दो एक्ट थे बंगाल रेगुलेशन एक्ट और मद्रास रेगुलेशन एक्ट, इसमें कहा था गवर्नमेंट के दे गेव कंट्रोल टू गवर्नमेंट इन केस ऑफ मिसयूज इफ ओनरशिप इज नॉट प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद एक्ट 20 ऑफ 1863 मैंने बता दिया कि इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल था इंटरवीन करने का, ठीक है। इसके बाद 1878 में इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 में पास हुआ। अब आप ध्यान देना 1878 में, ठीक है, कौन था अपना, लॉर्ड लिटन था, ठीक है। इसने इसने उस समय ये कहा था कि भाई आपने इस जो एएसआई है, एएसआई जो था अलग अलग प्रोविंसेस में इसकी सर्किल होते थे, वो लोग गवर्न करते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आपस में जो है मिसमैनेजमेंट काफी हो रहा है, तो आप लोग इस पे देखो और एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ बताओ कि हाँ कि जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। ये लॉर्ड लिटन ने रिकमेंडेशन दी थी 1878 में, ठीक है। अब जो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट था उसने क्या किया, उसने एक लैंडमार्क था इन केस ऑफ कॉन्फिस्केशन एंड सेफ्टी ऑफ ट्रेजर्स एंड एंटिक्विटीज फाउंड ड्यूरिंग चांस डिगिंग। अच्छा, चांस डिगिंग क्या होता है कि अब जैसे अगर आप यूपी में या बिहार में, एक जगह थी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या हुआ, रेलवे लाइन खुद रही थी, ठीक है। रेलवे लाइन खोदते समय एक ऊंचा टीला आया, उसको लोगों ने खोदा, तो उसमें से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी तांबे की, कहते भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली, ठीक है। वो पूरी ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की थी, और उसको कहते क्या हुआ, उसको छिपा दिया गया था। अब अगर ये एक्ट नहीं होता तो उसको आप स्मगल भी कर देते, उसके ऊपर किसी की पावर भी नहीं होती, लेकिन इन सबको अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये जो भी चीजें ऐसी मिलेंगी, इनफैक्ट अगर 10 सेंटीमीटर के नीचे भी कोई चीज मिल रही है तो आप, वो क्या होगा, ट्रेजर ड्रॉप एक्ट के थ्रू, और 10 रुपए से कम तक की भी वैल्यू उसकी अगर है, लेकिन वो अगर एंटिक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, ठीक है। अब 1863 के बाद क्या हुआ, ये जो 1878 के बाद क्या हुआ, ट्रेजर ड्रॉप एक्ट के बाद अगले 20 साल जो थे वो पीरियड ऑफ कैओज हो गया। पीरियड ऑफ कैओज क्यों कहते हैं, क्योंकि 1878 से लेके आपके 1900 तक अगर देखा जाए, जब तक आपका लॉर्ड कर्जन जो था वो 1899 में आया था, तो तब तक कोई भी रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स पहले बनती थी वो सारी जो पब्लिश होना लगभग बंद हो गई। जितना भी काम था सारा का सारा काम क्या हो गया, बैकलॉग हो गया, ठीक है। जो भी पैसा आ रहा था वो जहां मन हो रहा वहां पे अनऑथराइज्ड तो नहीं कहेंगे, अनअकाउंटेड या अनऑडिटेड एक्सकेवेशन हो रहा है, ठीक है। लोग कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां मन हो रहा वहां पर खोद दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें कहा गया, लॉर्ड कर्जन आया, उसने बोला कि भाई देखो, कंजर्वेशन इज नॉट शुड नॉट बी द मेन एम, कंजर्वेशन शुड बी द मेन एम, एक्सकेवेशन नॉट। आप हर जगह खुदाई मत करो, जो है पहले उसको बचाओ, ठीक है। ये नहीं कि आपने हर जगह खोदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, टोटली टोटली सेंट्रलाइज कर दिया एएसआई को, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जॉन मार्शल को अपॉइंट किया एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल। और ये जो जॉन मार्शल था उसने न्यू प्रिंसिपल दिए कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट के। अब कौन कौन से मॉन्यूमेंट के कंजर्वेशन के दिए उन्होंने, उसने एक तो उसने सबसे पहले तो ये वाला एक एक्ट बनवाया, एनिशेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद जो बना एंटिकिटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। अब ये वाले जो एक्ट हैं, ये बाद वाले जो एक्ट हैं, ये जो जितने भी एक्ट हैं
वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी तक केवल यहाँ तक की बात करते हैं। अब देखो, ये जो जॉन मार्शल ने क्या था, नया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन दिया, और इसके जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन था वो इतने सही थे, इतने बेसिक थे कि आज तक उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, दे आर स्टिल वैलिड एंड फॉलोड इवन बाई मॉडर्न कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स। और कौन कौन से कितनी सिंपल टर्म में उसने एक्सकेवेशन के प्रिंसिपल दिए हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी हाइपोथेटिकल रिस्टोरेशन वर अनवारंटेड, कोई भी आप रिस्टोरेशन हाइपोथेटिकल फॉर्म में नहीं करेंगे कि हाँ मन हुआ कि हाँ यार ये सही नहीं लग रहा है तो हम इसको इसका रिस्टोर कर दें, नहीं, वो तभी करोगे जब वो स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग के लिए क्या हो, इसेंशियल हो। ठीक है, आप इसकी पहली स्लाइड देखना मेरे वीडियो की, इस वीडियो का जो पैरा कवर पेज है उसमें आप देखोगे कि जो मंदिर को चेंज किया जा रहा है उसमें बेस को रिस्टोर किया गया है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही अभी वृंदावन में एक मंदिर है, जुगल किशोर मंदिर, ठीक है, उसके उसको भी रिस्टोर किया गया है। ठीक है, तो ये मैं आगे और भी यूपी में जो भी मंदिर इनके ऊपर काम चल रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। तो फिर रिस्टोरेशन तभी होगा जब स्टेबिलिटी की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, एवरी ओरिजिनल मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग शुड बी प्रिजर्व इंटैक्ट एंड डिमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन शुड बी अंडरटेकन ओनली इफ द स्ट्रक्चर कुड नॉट बी अदरवाइज मेंटेन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, पूरी कोशिश करनी है कि जैसा स्ट्रक्चर है वो उसी फॉर्म में मेंटेन बना रहे। जब वो ऐसी चीज नहीं हो सकती है तभी आपको रिस्टोर करना है या रिनोवेशन करना है या उसको टच करना है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्टोरेशन ऑफ कार्ब्ड स्टोन, कार्ब्ड वुड एंड प्लास्टर मोल्डिंग शुड बी अंडरटेकन, ठीक है, ओनली इफ आर्टिसन वर एबल टू अटेन द एक्सलेंस ऑफ द ओल्ड। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप माना कि ये जो आपका ये है, ये मूर्ति बनी है, ठीक है, इस मूर्ति में मान लो ये वाली जो उंगली है ये टूट गई। ठीक है, आप इसने बोला कि आप ये उंगली टूट ही रहने दो, ये नहीं कि आपने क्या किया, ये वाला पूरा पैर काट के कि हम दोबारा दूसरा पैर लगा देंगे, और वो पैर पता चला आपने बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब तक आर्टिशन श्योर ना हो कि हम एक्सलेंस उसी लेवल का ले ला पाएंगे, तब तक आप किसी भी कार्ब स्टोन को, कार्ब वुड को, प्लास्टर मोल्डिंग को आप उसे रिस्टोर नहीं करेंगे, आप जैसा है वैसा छोड़ देंगे। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं या फिर बहुत सारे जो स्टोन्स वर्क हैं, कार्ब्ड वुड है, कार्ब्ड स्टोन है, वो वैसे के वैसे ही म्यूजियम में रखे होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसको यार इसको पूरा कर देते, इसको कंप्लीट कर देते, लेकिन नहीं, वो कंप्लीट तभी होंगे जब कंप्लीशन के बाद आर्टिशन ये श्योर हो कि यहाँ जैसा पहला वाला था वैसे ही हो जाए, जो कि होता नहीं है। ठीक है, इन नो केस शुड मैथोलॉजिकल और अदर सीन्स भी रिकार्ब्ड। ठीक है, मतलब कोई भी मैथोलॉजिकल या अदर सीन होंगे रिकार्ब्ड नहीं किए जाएंगे। मतलब इससे क्या हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा कि आप रिकार्ब्ड करो मैथोलॉजिकल सीन्स को, तो आप अपने मन से अपनी इमेजिनेशन उसमें डालने लगोगे, और वो जो इमेजिनेशन होगी वो उस फिगर के, जो वो मान लो कोई फिगर 500 BCE में बनाया है। ठीक है, अब 500 BCE में ना तो महाभारत थी, चलो महाभारत थी भी तो ना तो भागवत गीता थी, ना पुराण थे, उपनिषद थे, ये सब गुप्त काल में बाद में बने हैं, तो उस समय जिसने बनाया होगा उसके मैथोलॉजी में ये सारे फिगर होंगे ही नहीं। ठीक है, मीराबाई का इम्पैक्ट नहीं होगा उसमें। आप जब मैथोलॉजिकल फिगर उसमें करोगे तो आप क्या करोगे, उसमें पता चला मीराबाई की उसमें छवि डाल दी उसमें किसी भी उसमें, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, सीधे सीधे मना कर दिया। तो आप देख रहे हो ये जो कंजर्वेशन के प्रिंसिपल है वो कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस टॉपिक में अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं उसमें आगे कवर करूंगा आर्किटेक्चर, जो न्यूज में कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की बात करूंगा, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल कौन कौन से वर्क यूपी में चल रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा, इसकी साइंस की बात करूंगा कि जब आप मेंटेनेंस, क्योंकि टॉपिक में मेंटेनेंस दिया गया है तो उस मेंटेनेंस कैसा, मेंटेनेंस में कौन कौन सी केमिस्ट्री या कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। ओके, थैंक यू।